दोस्तों, आजकल अक्सर इस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग खड़े खड़े ही अचानक गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। दोस्तों, अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है या नसें कमजोर हो गई हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या आपकी नसों में लचीलापन खत्म हो गया है या नसें हार्ड हो गई हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या खून गाढ़ा हो गया है, तो इसकी वजह से आप में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने की संभावना दूसरे लोगों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे ठीक करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन थोड़ा जल्दी करें। अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लगातार सेवन से हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, या अगर ये बीमारियाँ अभी नहीं हुई हैं तो इन चीज़ों के सेवन से हम भविष्य में इन बीमारियों के होने की किसी भी संभावना को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ओमेगा 3 के बारे में बताया था जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है, और ये हमारे भोजन से कैसे मिलेगा ये आप वीडियो देखकर जान सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं लहसुन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कच्चा लहसुन हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसे खाना कैसे है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये हमें किस किस बीमारी से बचाता है, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गार्लिक को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको एक नहीं दो दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि गार्लिक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा, इसकी स्मेल आपको नहीं आएगी और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको इसे ये होगा कि जो बेनिफिट्स आपको गार्लिक से मिलते हैं वो कच्चा खाने की तुलना में कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से आप 2 निशाने लगाएंगे एक साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गार्लिक को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि गार्लिक यानी लहसुन को खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गार्लिक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, आपकी नसों को नरम, मुलायम और लचीला बना देता है, उनको सख्त होने से रोकता है, और इसके साथ साथ खून को पतला भी करता है, जिसकी वजह से खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गार्लिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आप कम बीमार पड़ते हैं। गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में और आर्थराइटिस में भी इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। ये आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और फैटी लीवर अगर आपको है तो उसको भी ठीक कर देता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि गार्लिक एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि न सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, न सिर्फ आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि गार्लिक को खाने से आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से आपको गार्लिक को रोज़ाना ज़रूर खाना चाहिए। गार्लिक के इन सभी बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए अक्सर हम लोग सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां गार्लिक की कच्ची खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कच्ची खाने से एक प्रॉब्लम होती है कि इसका टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा तेज लगता है। बहुत सारे लोग जब इसे खाते हैं तो उल्टी भी आ जाती है, कुछ लोगों को एसिडिटी होने लगती है, कुछ लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, या मुँह में जलन हो जाती है, या बाद में डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो इसे शुरू करते हैं वो बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप गार्लिक को खाना चाहते हैं, तो आपको गार्लिक फर्मेंट करके खाना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, फर्मेंटेड गार्लिक जो होता है एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे आपको जो गार्लिक का टेस्ट बुरा लगता है वो टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, और गार्लिक के बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। फर्मेंटेड गार्लिक के अंदर क्या होता है कि एक तो इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाता है, उतना तेज़ नहीं रहता है, इसकी स्मेल भी कम हो जाती है, और इसका जो टेक्सचर है वो एक जेली की तरह नरम नरम हो जाता है। इसके अंदर जो एल्कोलाइड्स मौजूद होते हैं जो कि इसको सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बायो एक्टिव हो जाते हैं। बायो एक्टिव होने का मतलब है कि वो आपके शरीर में जाकर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करके बहुत ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स आपको देते हैं। अगर हम कंपेयर करें कच्चे गार्लिक से तो फर्मेंटेड गार्लिक आपको करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि फर्मेंटेड गार्लिक को बनाते कैसे हैं। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। गार्लिक को पूरी तरह से फर्मेंट होने में 30 से 45 दिन का समय लगता है। इससे ज़्यादा दिन तक भी आप इसे फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं। जितना ज़्यादा दिन फर्मेंट होता है उतना ही यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों फर्मेंट गार्लिक को बनाने के लिए आपको 15 से 16 लहसुन की गांठ लेनी है। इसे छीलकर इनकी कलियों को अलग कर लेना है। अब एक कांच का जार लेना है और इन कलियों को इसमें डाल देना है। इसके बाद आपको 1 लीटर पानी लेना है और इस पानी के अंदर 4 चम्मच नमक डालकर घोल लेना है। अब आपको इस नमक वाले पानी को जार में डाल देना है। पानी उतना डालना है जिससे गार्लिक पूरी तरह से ढक जाए। अब आपको इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और जार के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है, और जार को एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े या बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। 30 से 45 दिन तक आपको वेट करना है, यह पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बीच बीच में इस जार के ढक्कन को खोलते रहना है, क्योंकि गार्लिक जब फर्मेंट होता है तो उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जो कि बबल्स की शक्ल में आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए आपको जार के ढक्कन को थोड़ा लूज करना चाहिए जिससे ये गैसेस बाहर निकलती रहें। जब गार्लिक फर्मेंट होता है तो इसका कलर भी कुछ चेंज हो जाता है, जैसे डार्क ब्राउन हो जाएगा या पर्पल कलर का हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप इसे आराम से खा सकते हैं। फर्मेंटेड गार्लिक की 2 से 3 कलियां आपको रोजाना सुबह खाली पेट लेना है। फर्मेंटेड गार्लिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा, आपकी नसों के अंदर जमा प्लैकिंग को ख़त्म करेगा, आपकी ब्लॉकेज को कम करने का काम करेगा, आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा। दोस्तों फर्मेंटेड गार्लिक पूरी तरह से नेचुरल और सेफ चीज़ है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी दवाई लेते हैं जो कि आपके खून को पतला करती है तो ऐसे केस में आपको फर्मेंटेड गार्लिक लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके पूछ लेना चाहिए कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड गार्लिक भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई इस तरह की दवाई ले रहे हैं और साथ में गार्लिक भी ले रहे हैं तो आपके अंदर ब्लीडिंग होने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को फर्मेंटेड गार्लिक खाने से एलर्जी भी हो सकती है। वैसे इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, लेकिन अगर आप पहली बार फर्मेंटेड गार्लिक ले रहे हैं तो वैसे केस में आपको शुरुआत में 1 कली से शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आप धीरे धीरे इसकी 2 कली या 3 कलियां या अधिक से अधिक 4 कलियां रोजाना ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको फ़ोन पर सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।